एक यहाँ पे डिश है जिसको कहते हैं सचिन्स गार्लिक प्रॉन, डिसिल्वा क्रैब कोट्टू, एंड उसके बाद पॉन्टिंग चिकन पॉट पाई। ये तीन ऐसे बड़े नाम हैं क्रिकेट की दुनिया में जिनके बिना क्रिकेट शायद अधूरा है, और अब ये तीनों रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी इनकी जो वैल्यू है वो उतनी ही है जैसे कि एक ताज में हीरे की होती है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों का जो जंग आप करवाते हैं टेबल पे वो कराएं और देखें कौन सा कंट्री जीतता है। ठीक हो है ना जी। ठीक है नमस्कार, द रूस्टर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम एक ऐसे क्रिकेट के दीवाने की जन्नत में बैठे हैं जिसका नाम है अभी कंदस्वामी। ये शौकिया तौर पर फोटोग्राफर हैं और इसके साथ साथ ये बहुत बड़े क्रिकेट के फ़ैन हैं। ये श्रीलंका से आते हैं, हमें ये जगह ये किताब खींच के लेके आई है, नो बाउंड्रीज। अगर आप देखें नो बाउंड्रीज ये किताब है जिसको संजोया गया है 10 साल की तस्वीरों के साथ। 10 सालों तक इन्होंने कंदस्वामी जी ने तस्वीरें खींची श्रीलंका में जो लोकल क्रिकेट होता है उसके बारे में, और वो तमाम तस्वीरें यहाँ पे हैं। श्रीलंका का रंगीन मिजाज यहाँ पे दिखता है, श्रीलंका में क्रिकेट किस लेवल तक घुस गया है लोगों के जहन में वो है। और हमारे साथ है वकास जो कि पाकिस्तान से हैं। देखिए मज़ा कितनी खूबसूरत बात है, पाकिस्तान से वकास है, मैं हिंदुस्तान से हूँ, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है श्रीलंका। ठीक है, तो वकास आप ये समझाइए कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, ठीक है, और इस जगह का भी नाम मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने जो इनकी जन्नत का नाम है वो है द स्टिकी विकेट। ये एक पब नुमा जगह है जहाँ पर खाने पीने के काफ़ी शौकीन लोग आते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर पीने के भी शौकीन आते हैं। यू नो, देखो अगर आप बात करें हिंदुस्तान पाकिस्तान या फिर श्रीलंका, यहाँ पे यही तीन चीज़ें ज़्यादा मशहूर हैं, है ना। यू नो, आप खाने पीने के बहुत शौकीन लोग हैं, और मेरे ख्याल से दुनिया में और कहीं इतना वैरायटी ऑफ खाना नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, तो द नो बाउंड्रीज आप तलाश करें कहाँ पे आपको मिलेगी, या फिर हम नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे कि आप कहाँ से देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। वकाश आप ये बताइए, ये जो जगह है, ये रेस्टो पब है, ये कब शुरू हुआ था? ये बेसिकली 2016 में स्टार्ट किया था, 2 साल हो गए हैं इसको, और अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जब स्टार्ट किया था इतना सोचा नहीं था कि, क्योंकि मलेशिया में क्रिकेट ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। हाँ, मलेशिया का नेशनल गेम जो है वो है फुटबॉल, लेकिन मलेशिया में आप क्रिकेट ले आए। अभी सर का जुनून ले आया है क्रिकेट को यहाँ पे। सो उनका एक बिलीव था कि क्रिकेट कहीं पे भी चला जाए, पाकिस्तानी इंडियन श्रीलंकन, वो ज़रूर आके देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये जगह दिखाऊंगा। यहाँ पे जगह जगह टेलीविजन स्क्रीन लगे हैं बड़े बड़े, जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है यहाँ पे वो तमाम अभी के जैसे जितने भी और दीवाने हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और क्रिकेट देखते हैं, और यहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत देखते ही बनता है। हमने सुना है कि आप यहाँ पे कुछ टेबल पे क्रिकेट मैच भी करवाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम अभी भी करवा सकते हैं। जो बेसिकली डिशेज हैं उनके नाम क्रिकेटर्स के नाम से हैं। एक ऐसा पर्चा है जहाँ पर आप तीन देशों की मैच करा सकते हैं, और जो रेफरी होंगे वो हमारे पाकिस्तानी भाई होंगे। ठीक है, एक यहाँ पे डिश है जिसको कहते हैं सचिन्स गार्लिक प्रॉन। ठीक है, ये हिंदुस्तान का डिश है। इसके बाद डिसिल्वा क्रैब कोट्टू, एंड उसके बाद पॉन्टिंग चिकन पॉट पाई। ये तीन ऐसे बड़े नाम हैं क्रिकेट की दुनिया में जिनके बिना क्रिकेट शायद अधूरा है, और अब ये तीनों रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी इनकी जो वैल्यू है वो उतनी ही है जैसे कि एक ताज में हीरे की होती है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों का जो जंग आप करवाते हैं टेबल पे वो कराएं और देखें कौन सा
कंट्री जीतता है, ठीक हो है ना जी। देखिए मैदान सच चुका है, हमारे एक और अजीज दोस्त हैं जिनका नाम है कल्याण देवन, ये बहुत पॉपुलर हैं मलेशिया और हिंदुस्तान के सिनेमा जगत में, तो हमने इनको स्पेशली इनवाइट किया है कि देखें कि ये तीन जो देशों का जो जंग है वो किस तरह से कराते हैं टेबल के ऊपर। तो ये साहब हमारे हैं सचिन तेंदुलकर, जिनका सचिन प्रॉन राइट, गार्लिक प्रॉन ठीक है, और ये जो जनाब हैं ये हैं डिसिल्वा क्रैप, बहुत अच्छा बैट्समैन है और बहुत अच्छे से खेलते हैं, देखते हैं हमारे पेट पे कितने बल्ले बजाते हैं। और ये जो हैं ये है पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग ठीक है, सो रिकी पॉन्टिंग की तरह ये स्पेशल हैं। सो लेट्स स्टार्ट देवन है ना, सो एंड यू आई थिंक यू आर द गेस्ट सो यू शुड स्टार्ट फर्स्ट। ठीक है सचिन साहब को हम बाद में देखते हैं, पहले डिसिल्वा साहब से मिलते हैं। स्पाइसी है, क्रैब जब भी आप खाएं तो बहुत कई बार ही सोचते हैं आप खाने से पहले कि इसको कैसे तोड़ेंगे एंड किस तरह से खाएंगे, बट यहाँ पे लोगों ने डिसिल्वा साहब ने ये मुश्किल हमारी हल कर दी, आसान कर दी है कि यू जस्ट टेक इट एंड देन बाइट क्रैब। एक तरह का नूडल है जिसमें एग है, अनियन है, मिर्च चिली है एंड काफ़ी सारे मसाले हैं, ग्रीन अनियंस हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत बारीक महीन इन्होंने लाल मिर्च भी काटी है। डिसिल्वा साहब जैसे वो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, यहाँ पर भी वो कमाल का बल्लेबाजी हमारे पेट में कर रहे हैं क्योंकि इट्स वेरी स्पाइसी। क्रीमी सी, जब मैंने इसको देखा आई थॉट इट इज जस्ट ग्रिल्ड एंड इट विल बी लाइक अ नॉर्मल प्रॉन, बट जैसे मुंह में जाता है इट इज मोर ऑफ चीजी चुई जूसी एंड क्रीमी। सो गार्लिक है इसमें, अगर आप देखें तो ऑलिव ऑयल मसाले ऐसे टपकते हैं, ये देखिए, और आप यकीनन एक में नहीं रुकेंगे। सचिन साहब ने भी कमाल किया है, पॉन्टिंग की तरफ चलें, मेरे ख्याल से ये वकास आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी इसको खोलने में। ओके तो इसके लिए हमें प्लेट्स की ज़रूरत होगी, तो ये पॉन्टिंग साहब अपनी बल्लेबाजी में उतर गए हैं ना, ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट की कमेंट्री दे रहे हैं, खा हम रहे हैं इनके नाम से लेकिन कमेंट्री हम दे। देखिए पॉन्टिंग साहब का चौका है और यहाँ पे शायद छक्का जाएगा। देखिए पॉन्टिंग साहब ने आते साथ चौके छक्के लगाए हैं, देवन साहब हमारे शुरू हो गए हैं, लेट मी ट्राई। देखिए बहुत माइल्ड टेस्ट है, स्वाद है इसका, चीज़ी है इसमें, क्रंचीनेस है जो पाए था उसके उसका क्रंचीनेस है, लेकिन इसका स्वाद अलग है, देसी स्वाद नहीं है, ये दोनों ही कुछ कुछ देसी थे, ये विदेशी है। देखिए एक वाइट सॉस की तरह ग्रेवी है, उसमें बहुत सारा चिकन है, बहुत सारा हर्ब है, बहुत सारे मसाले हैं, और उसके ऊपर एक पाई से इसको ढका गया है, और इसको आपको जैसे वकास साहब ने दिखाया है कि इसको पोक करना है, फिर तोड़ना है, फिर मिक्स करना है, उसके बाद ये जो आप जंग करवा रहे हैं क्रिकेट के मैदान से बाहर, यकीनन हर किसी को उस दुविधा में डाल देगा, क्योंकि तीनों ही इतनी कमाल की चीज़ें हैं कि आप एक को अच्छे नंबर और एक को बुरे नंबर नहीं दे सकते हैं। जैसे तीनों लोग दिग्गज हैं क्रिकेट के मैदान में, जिस तरह से ये लोग दिग्गज हैं क्रिकेट के मैदान में वैसे ही ये लोग दिग्गज हैं इस टेबल पर भी, तो हम नहीं कहेंगे कि किसकी जीत हुई है, शायद तीनों ही देश ऐसे हैं जिन्होंने जीत हासिल करी है, और हमारे पाकिस्तानी भाई जो इसकी
इसको हमारे तक पहुंचाने में जिन्होंने मदद करी उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं. एंड आई वुड लाइक दे वांट टू टॉक से समथिंग अबाउट द फूड. एंड आई लव द फूड ओवर हियर. आई थिंक इफ आई रियली नीड फॉर नाइस स्पाइसी फूड आई थिंक आई कम टू स्टिकी विकेट. Bonding is, I mean, usually I like spicy, but this is really good as well. Yeah, and overall, the food has been amazing in Sticky Wicket always. And yeah, Vakas had organized 3 more cocktails, right? Mocktails, right? So let's try these also and finish. Sure, yeah, that's fine. So what do you want? Orange. There is pineapple and kiwi. Then I'll go so for. So let's keep. I mean, orange the nearest, for Ponting. Okay. Kiwi for Sachin and colorful Sri Lanka. So okay. For De Silva. Yeah. Yeah. So let's try. And this is interesting. I want you to. Isme dry pineapple hai aur shayad pineapple and punch. Pineapple punch. Yeah, even this is nice. Yeah, juicy, and I want to try one special thing in this. See, this is dry pineapple. Usually, हम सूखा pineapple नहीं खाते हैं. पहली बार I tried a dry pineapple. It's nice. आम पापड़, ये है pineapple पापड़. हाँ. This is more like crush. But this is nice. So हमने तमाम ये चीजें खाईं, इस जगह को देखा. तो ऐसा शायद नहीं लग रहा है कि हम लोग क्रिकेट के मैदान से बाहर हैं. एक बहुत एक संतुष्टि मिलती है जब आप किसी के प्यार को देखते हैं. ये एक मोहब्बत है एक ऐसे क्रिकेट फ़ैन की जो जिसने ये शक्ल ले ली है. ये प्यार से क्रिकेट दिखाते हैं, प्यार से खाना खिलाते हैं और प्यार से पिलाते भी हैं. ठीक है. सो जीत किसी भी देश की नहीं हुई है, देश जीत उन तमाम टीम्स की हुई है जो यहाँ पे हैं और जो यहाँ पे आने वाले हैं. तो बने रहें हमारे साथ द रूस्टर न्यूज़. अब जब भी कभी मलेशिया आएँ, कोलालंपुर आएँ, तो गूगल पे सर्च करें स्टिकी विकेट और यहाँ पे आके ज़रूर एक मैच के साथ खाना ज़रूर खाएं. धन्यवाद. If you're serious about reaching a high quality audience, sponsor or advertise with us. Contact for further details on 8939-511-887 or write to us at info.theroosternews@gmail.com.